आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो आज है संडे और आज फाइनली हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर, मतलब लास्ट क्या, अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं तो हमको जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरे देखो रूम से बाहर निकला तो बार बार मेरे चश्मे पे धुंध जम जाती है। तो अभी जा रहे ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद आते हैं फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है? चलो बाय बाय। तो अपनी बाइक तो एकदम सेट हो चुकी है, तो अभी मैं भी निकलने के लिए तैयार हूँ। देखो मैंने पूरी एकदम अच्छे से इसका बंजी बंजी बांध दिया है। तो हाँ, तो अभी अपना हेलमेट वहाँ पे पड़ा है और ग्लव्स वहाँ पे पड़े हैं, तो बस अभी निकलने की तैयारी है। तो अभी दोस्तों से मिल लेते हैं, उसके बाद जो है आपको सीधा मोटरसाइकिल में मिलेंगे। चलो बाय बाय। ओके ऑलराइट, चल कृष्णा मिलते हैं। कृष्णा जा रहा है महालक्ष्मी, तो मैं जा रहा हूँ घर पर, तो उत्कर्ष से भी मिल लेते हैं। चलो गाइस फाइनली उत्कर्ष भी आ गया है, तो फिर चलो जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इवेंट हो गया ख़त्म, तो चलो अभी निकलने का टाइम हो गया। तो ऑलमोस्ट बेसब्री से मैं राह देख रहा था कि कब निकला जाए, तो 11 बज गए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, चू मेरा घर पे इंतज़ार कर रही है। और बाय द वे ये देखो, ये ऑफ रोडिंग का ट्रायल था, कल आप लोगों ने देखा ही होगा, तो मेरे वीडियोस में भी आप देख लेना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको जब वीडियो रिलीज़ होगा तब। और इन लोगों ने भी शॉट्स लिए अच्छे खासे। कल जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हुई है, रोड्स जो है वो सारे गीले हो गए। देखो बीच वाला पैच जो है गीला है, और हाईवे से ये सिर्फ 200 मीटर पे है, कल मैंने 500 मीटर बोला था लेकिन नहीं, 200 मीटर पे ही है। हो देखो बारिश हुई ना, तो देखो कितना हरा भरा हो गया। कल रात को लगभग एक घंटा में भी बारिश हुई होगी, और ये आ गया हाईवे, और ये देखो कितना मस्त हो गया। तो चलो अभी तो कड़क कड़क धूप निकली हुई है, तो अभी हम आ गए हाईवे पे, तो चलो चलते हैं गाइस जल्दी से फटाफट भगाते हुए। हाँ चल, लेट अस गो। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. गाइस ये वॉल्वो का इंजन देखो पूरा पीछे आता है, और इतनी हीट फेंक रहा है ना पीछे कि पूछो मत आप। देखो पीछे मुझे लगता है कुछ ख़राब हो गया, इसके लिए हवा खोल हवा छोड़ने के लिए रखा है पीछे। वैसे अभी ज़्यादा ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी घर जाना है और फिर मुझे मेरी बेटी से मिलना है सबसे पहले। तो कब से मेरी राह देख रही है कब से, क्योंकि 3-4 दिन से जो भी बाइक लेके मतलब बुलेट लेके आता है ना, तो वो यही बोलती है कि पापा आ गए पापा आ गए, क्योंकि मेरी बाइक और ऑलमोस्ट 3-4 बुलेट है सोसाइटी में, तो आती रहती है। तो ये देखो ऊपर बादल देखो काले काले पूरे छाए हुए हैं, मुझे लगता है सूरत में मेरे को बारिश मिलने वाली है। यहाँ तो नहीं है फिलहाल तो हाईवे पे, तो लेकिन उस साइड कहीं ना कहीं उस साइड हो रही होगी बारिश। शेट कोई गिर गया है, मे बी किसी का बाइक पड़ा है। शेट हाँ कैसे कैसे हो गया, कैसे गिर गया, ये जिंदा है कि नहीं पहले तो वो देखो। एम्बुलेंस को फोन करो ना। शिट ऑलमोस्ट दे गेट इंजर्ड। हाँ लगा रहा।
हाँ इमरजेंसी में ये एक ना हाईवे पे चिकली चिकली के आगे ना चिकली हाँ। के चिकली के आगे एक आगे चिकली से थोड़ा आगे एक ब्रिज है, सेकंड ब्रिज है, उसके ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, मेरे सामने ही हुआ एग्जैक्ट। मैं 500 मीटर पीछे था स्ट्रेट रोड पे, मैंने देखा ये बाइक वाला ओवरटेक कर रहा था, तो ओवरटेक के चक्कर में ये ट्रक से टकरा गया। तो ट्रक वाला थोड़ी देर तो रुका रहा, लेकिन जब भीड़ हो गई तो चला गया। अभी उसकी भी बेचारे की गलती नहीं है, क्योंकि फिर पब्लिक मिलके उसको ही मारेगी, इसके लिए वो चला गया मेरी आंखों के सामने। मैं रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको घर जाके। चलो ठीक है, क्या करे, होता रहता है। बी केयरफुल राइट, ओके चलो लेट अस गो, चलते हम घर पे। ऑल राइट गाइज, वी आर एट नवसारी टोल। तो अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रही है पानी की तड़प, सुबह से पानी पिया नहीं है, तो मुझे अभी पानी चाहिए। तो आगे अमूल है, तो अमूल पे रुक के मैं पीता हूँ पूरा का पूरा 1 लीटर पानी, उसके बाद चलता हूँ आगे। क्या बोलते, और देखो पुलिस वाले देखो क्या सही जगह पे खड़े हैं, नहीं बाइक वालों के लिए एकदम, देखो यहाँ से तो कूदा नहीं सकता कोई, तो एकदम परफेक्ट लोकेशन पे खड़े हैं। बोलो हैट्स ऑफ। सबसे पहले तो यहाँ पे पानी की बोतल लेता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद दूसरी बात। Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. कल यहाँ पे बारिश हुई है ना, तो देखो कितना हरा भरा हो गया आजू-बाजू में सब, मस्त देखो मॉनसून का असर दिखने लगा। पहली बारिश हुई है अभी कल, तो कल देखो कितना ग्रीनरी हो गया आजू बाजू में, देखो पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, बहुत मस्त मज़ा आ गया देख के। और भाई साहब महाराष्ट्र में तो देखा ही होगा आपने, जब से मैं रिजॉर्ट से बाहर निकला तो पूरा पहाड़ कितना ग्रीन था पूरा, और उसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था तो कितना अंदर कुछ नहीं था, ऊपर इतना कुछ खास नहीं था, और देखो एक बारिश में इतना ग्रीन हो गया, तो सोचो कि मानसून में कैसा दिखता होगा। और वहाँ चल रही है चेकिंग बहुत ज़बरदस्त, या फिर कोई आने वाला है इसके लिए रखा है, मेबी आई डोंट नो क्या है। और ये आ गया चेक पोस्ट, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, ओए मज़ा आ गया। हो सामने और ऊपर, सामने गया ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह बादल, तो देखो कितने छाए हुए। हो फाइनली गाइस सूरत में एंटर कर चुके, और बस और तो क्या, और थक गए बहुत, और आज ये बैड एंडिंग हो गई एक टाइप से, क्योंकि यार एक्सीडेंट देखने को मिल गया ना, लेकिन उसमें गलती उस बाइक वाले की थी, ट्रक वाले की कोई गलती नहीं थी। तो क्या ठीक है, चलो ये तो कोई बात नहीं, हाईवे पे तो ये कॉमन बात है, होता रहता है। तो अभी हम आ गए घर, हमारा घर थोड़ा ही दूर है, तो एक काम करते ना अभी इस वीडियो को कर देते यहीं पे क्लोज, क्योंकि अभी मैं घर जाऊंगा, घर मुझे, क्योंकि घर पे मैं इतना कुछ व्लॉग करने वाला नहीं हूँ, सीधा शाम के व्लॉग में आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि मैं व्लॉग चिव को अभी व्लॉग में लूँ, मैं चाहता हूँ कि शाम को हम दोनों साथ में आए। तो अभी क्या, अभी हम समझ रहे हो ना, बाप बेटी की भावना है, तो बस। तो फिर अभी काम करते हैं, इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। और हाँ एक और बात कि जीआरएम का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में तो क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी थक गया हूँ, मैंने आपको बताया ही, तो हाँ जीआरएम का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कि कैसा है, क्या है, क्यों है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो फिर कोई नहीं, तो अभी पक्का आ रहा, तो इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और सीरीज़ इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, तो भी आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो। तो नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलती रहे, और मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको पता चले कि हाँ मेरा वीडियो आया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, तो बाय बाय, राइड सेफ, और हाईवे पे कभी भी लापरवाही मत करो, ये मेरा एक
कॉमन सा है बोलने का कि बस हाईवे पे एकदम शांति से चलो, हो सके आप नए हो तो लास्ट वाली लेन में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ठीक है फिर, और नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।